जो ऑर्गेनिक का भूत तुम लोगों पे सवार रहता था, ऑर्गेनिक आती ही नहीं है, ऑर्गेनिक में कुछ समझ में नहीं आता है मैडम, थोड़ा थोड़ा दोस्ती हुई कि नहीं ऑर्गेनिक्स के साथ में? Yes, ma'am. थोड़ी थोड़ी हुई, जान पहचान बढ़ी कि नहीं बढ़ी? हम लोग बात कर रहे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम वगैरह, जैसे आप पहली बार किसी व्यक्ति से मिलते हो तो क्या पूछते हो, आपका नाम क्या है, है ना, व्हाट इज योर नेम, फिर वो सामने वाला बताता है भाई मेरा नाम फलाने फलाने जी है, है ना, फिर फलाने फलाने जी से वो फिर हमारे, है ना, पप्पू बिट्टू, है ना, चंकू पुंकू, ऐसे हो जाते हैं, है ना, कॉमन नेम भी साथ में आए जाते हैं, है ना, टिंकू मिंकू रिंकू पिंकू, है ना, ऐसे भी हो जाते हैं फिर वो थोड़े से, और फिर जब ज्यादा ही लाड़ आता है तब हम अपनी तरफ से भी कुछ कुछ नाम रख देते हैं उनके, है ना, गधा पागल, है ना, ऐसे वो अपनी तरफ से भी नाम रख देते। तो ये सब क्या है, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिर उसके बाद आइसोमेरिज्म भी करना शुरू कर देते हम सामने वाले की, है ना, इसका कान पकड़ के उधर खींच दिया, उधर उसको पकड़ के इधर से इधर लिया, इसको उधर से उधर पटक दिया, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसे उल्टा पुल्टा सब कर देते हैं ना। हेलो पिंकू, हाँ हाँ पिंकू पिंकू, मेरे पास तो टिंकू भी है। मैं बहुत सारे रिंकू पिंकू टिंकू मिंकू, बहुत सारे मिंकू भी है, टिंकू भी है और रिंकू भी है, बहुत सारे। चलो तो जान पहचान हो गई, है ना, फिर अच्छी वाली घनिष्ठ मित्रता भी हो गई, आइसोमेरिज्म करवा दिया अपन ने, है ना। अब क्या हुआ कि यार भाई कभी मेरे घर आ तो क्या, हाँ भाई तुम भी आओ, है ना, तो मिलना मिलाना, मिलना जुलना, घर आना जाना, यानी कि अब घर में घुसना शुरू करेंगे हम। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से दोस्ती होने के बाद में अब हम उनके घर में घुसना शुरू करेंगे, घर में घुसना मतलब आना जाना, है ना, आवन जावन, फैमिलियर हो जाएंगे अब हम दोस्ती से, है ना, अब हम घर में घुसना शुरू कर देंगे। तो ये घर में घुसने वाली पहली कंडीशन है GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, हाँ। अब इसमें क्या है, अब जैसे अपन घर में जाएंगे ना, अब अपने को तो क्या अपने दोस्त के बारे में जो कुछ पता है उससे ज्यादा कुछ नई चीजें पता लगेगी, है ना, उसकी मम्मी बोलेगी बड़ी आलसी है, कोई काम नहीं करती है, दिन भर पड़ी रहती है, पर अपने को तो क्या बताया था, यार मैं पता है कोचिंग आती हूँ ना तो घर का सारा काम करके आती हूँ और यहाँ से जाने के बाद भी खाना बनाती हूँ, तो ये सारी पोल जो खुलेगी ना अब वो यहाँ खुलेगी, है ना, तो ये पोल खोलने वाली, यानी कि घर में घुसने के बाद में जो इंट्रोडक्शन होता है ना अपने दोस्त की जिंदगी के बारे में, वही काम अब अपने को यहाँ GOC में करना है। और GOC में सबसे पहले तो बता देते हैं कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं किस किस टाइप के हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप, ओपन चेन और क्लोज चेन, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली वही होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, है ना, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के, साथ में कुछ अदर एलिमेंट्स भी होते हैं उनसे मिलकर के जो कंपाउंड्स बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, क्लियर। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, ओपन चेन और क्लोज्ड चेन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन भी दो टाइप के, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपके कौन आते हैं, एल्केन्स आते हैं, कौन, जिनका जनरल फॉर्मूला है CN2H2N प्लस 2, हाँ इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2N, जैसे CH4 C2H6, है ना, ये सब C2H6 के बाद में C3H8, ये सब क्या होते हैं, एल्केन, यानी कि ऑल द कार्बन इन अ मेन कार्बन चेन आर जॉइंट टुगेदर विद अ सिंगल बॉन्ड ओनली, ठीक। अनसेचुरेटेड दो टाइप के, एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक है, और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है बेटा CnH2n-2, दो टू 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 कम करते जा रहे हैं ना, यहाँ प्लस टू था, यहाँ कोई टू नहीं था, यहाँ माइनस टू हो गया। तो एल्कीन्स वो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन चेन होती है, एंड एल्काइन हैविंग ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब क्लोज चेन में आ जाओ, क्लोज चेन कंपाउंड में कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें आप एलिसाइक्लिक बोलते हो और कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें आप एरोमेटिक बोलते हो। एरोमेटिक के अलावा जो भी होते हैं वो सारे एलिसाइक्लिक होते हैं, ठीक है। एरोमेटिक के अलावा जो भी होते हैं वो कैसे होते हैं, एलिसाइक्लिक होते हैं। अब दे मे बी नॉन एरोमेटिक, दे मे बी एंटी एरोमेटिक, सब टाइप के जितने भी, मतलब एरोमेटिक के अलावा जितने भी,
क्लोज चेन कंपाउंड वो सारे एलिसाइक्लिक कहलाएंगे। और एलिसाइक्लिक भी दो टाइप का होता है, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में कार्बन चेन का फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन जॉइन टूगेदर, ठीक है, बट देर आर ओनली कार्बन एटम्स इन अ रिंग, है ना, रिंग के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे कार्बन ही है। बट हेट्रोसाइक्लिक का मतलब है द अदर एटम इज ऑल्सो प्रेजेंट इन रिंग, ठीक है। यस मैम। नाउ एरोमेटिक में भी होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक हो सकते हैं। होमोसाइक्लिक में सारे के सारे मेंबर कार्बन ही होंगे साइकिल के, और हेट्रोसाइक्लिक में कार्बन के अलावा भी जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह भी इसके मेंबर, कार्बन की रिंग के मेंबर होंगे। बोलिए, आ गई क्या बात समझ में इतनी? यस मैम। ओके, अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब ये एरोमेटिक वर्ड आपको बड़ा परेशान करता है, बोलो, पहले भी कर रहा था ना, अभी भी कर रहा है ना। तो अगर अपने को ये पता लग जाए, भाई इधर तो मालूम पड़ रहा है कि एल्केन कौन, एल्कीन कौन, एल्काइन कौन, पर उधर पता नहीं लग रहा ना कि एरोमेटिक कौन और एलिसाइक्लिक कौन। अगर मालूम पड़ जाए कि एरोमेटिक कौन, तो इधर वालों को तो अपन अपने आप ही पहचान लेंगे, है ना, सही है कि नहीं? तो एरोमेटिक को पहचानते हैं अपन। सबसे पहले क्या बात करेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स की। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स की एक सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है बेटा, कि एरोमेटिक, ये जो वर्ड बना ना, एरोमा से मिलकर के बना हुआ है, एरोमेटिक अरोमा वर्ड से लिया गया है। और अरोमा का मतलब होता है कि स्पेसिफिक स्मेल, फ्रेग्रेंस, स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस, स्पेसिफिक स्मेल या कैरेक्टरिस्टिक स्मेल को ही आप अरोमा बोलते हो। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनकी कोई कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है आर एरोमेटिक कंपाउंड। दे आर गिविंग ब्लैक स्मोक ऑन बर्निंग, इनको आप जलाओगे ना तो काले काले धुएं के साथ में, जैसे आप शक्कर है ना, चीनी, चीनी को आप जलाओ, बताओ काले काले धुएं के साथ में जलेगी क्या, खुद ही काली हो जाएगी। प्लास्टिक की कोई भी चीज है आप उसको जलाओ, वो काले काले धुएं के साथ में निकलेगी, है ना। और और रबर, रबर का कोई भी आइटम है आप उसको जलाओगे तो ब्लैक स्मोक मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए इसके, क्या, एक तो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है इनकी, और दूसरा ये काले धुएं के साथ में जलते हैं। तीसरा इनकी साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, हैविंग मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर वाले जो कंपाउंड होते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। इनमें कॉन्जुगेशन पाया जाता है, कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस एक ही चीज है। कॉन्जुगेशन में और रेजोनेंस में बेसिकली क्या डिफरेंस है वो मैं आगे बताती हूँ। और ये दोनों एक ही चीज है ना, देखा जाए तो एक ही चीज है, बट रेजोनेंस में और कॉन्जुगेशन में एक बिल्कुल माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, वो मैं अभी बताती हूँ। और अगर जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है ये है कि हकल रूल को फॉलो करते हैं। हकल रूल क्या है, 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन रूल। 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन रूल क्या होता है, इसमें जो n है ना ये 0, 1, 2, 3, 4 आगे कुछ भी आ सकता है। तो अगर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक किसी भी कंपाउंड में अगर पाए जा रहे हैं तो वो कैसा होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। बोलिए, बात समझ में आई क्या? अब इनको अप्लाई करना शुरू करते हैं। अब एक मुझे बात बताओ, मान लीजिए ये स्ट्रक्चर आपके सामने दी हुई है, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर बनाई हुई है। अब मुझे बताओ, इसको सूंघ के बताओ, इसमें से कोई स्मेल आ रही है क्या? देखे, तुम भी सूंघो, मैं भी सूंघती हूँ। मुझे तो नहीं आ रही है। किसी को आई क्या? नहीं आई। चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं, जितना मेरे पास में है ना ये, उतना ही ये तुम्हारे पास भी है। है ना, क्योंकि जैसे ये मेरे पास में है वैसे ही तुम्हारे पास भी है। दिस इज द स्क्रीन, है ना, और जो तुम्हारे पास में है वो भी स्क्रीन ही है, है ना, है ना। दूसरा, इसको जलाओ, देखें, काली काले उसके साथ में धुएं के साथ में जलता है कि मेरे पास तो यहाँ माचिस नहीं, वरना मैं जलाती, तो तुम जला के देखो काला धुआं दे रहा है क्या। हेलो हेलो मैम, अगर हमने जला दिया तो अपनी क्लास क्या हम कुछ नहीं कर पाएंगे? यस मैम। हाँ, तो मतलब नहीं जल रहा ना। मैम, किसी को शक हो तो जला के देख लो भाई। हाँ। तीसरा, अब तीसरा है कि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है क्या? No ma'am, it is not a cyclic structure. हाँ, अब साइक्लिक नहीं है क्या इसमें? अच्छा, साइक्लिक कॉन्जुगेशन क्या होता है? कॉन्जुगेशन क्या होता है ये मैं बता देती हूँ। पहले तो हम डिफरेंस पता लगा लेते हैं कॉन्जुगेशन में और रेजोनेंस में। रेजोनेंस बेसिकली क्या होता है कि शिफ्टिंग ऑफ
पाई बॉन्ड्स की शिफ्टिंग को ही क्या कहा जाता है, रेजोनेंस कहा जाता है। बट कॉन्जुगेशन में क्या होता है, जैसे ये है ना, कि ये डबल बॉन्ड जो है वो अगर इधर आ जाता है तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ, और वापिस ये अगर इधर चला जाएगा तो ये ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, yes, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ में क्या शो कर रहे हैं, कॉन्जुगेशन शो कर रहे हैं। ऐसे ही अगर नेगेटिव चार्ज है ना तो भी, अगर नेगेटिव चार्ज है तो भी देखो ये पाई बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज के साथ में, और नेगेटिव चार्ज इधर चला जाएगा, फिर ये वाला पाई बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा तो नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा। तो शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, एक तरीके से शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड एंड पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, यहां शुद्ध रूप से सिर्फ पाई बॉन्ड की ही शिफ्टिंग होती है। तो ऐसी जो शिफ्टिंग है वो तो क्या कहलाती है, रेजोनेंस कहलाती है, और इस टाइप की जो शिफ्टिंग है वो कॉन्जुगेशन कहलाती है। बोलिए दोनों में अंतर समझ में आया क्या, पढ़ लो इनको एक बार, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। Yes, हो गया। तो एरोमेटिक कंपाउंड की कितनी विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है, सिर्फ तीन, ठीक है। कौन कौन सी, दे मे बी साइक्लिक, दे कैन शो कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस, एंड फॉलोज हकल्स रूल, हकल रूल, 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन रूल। 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन रूल क्या होता है, इधर देखो पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि 1 pi बॉन्ड, 1 pi बॉन्ड का मतलब है कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 pi इलेक्ट्रॉन्स। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स बेटे, 2 pi इलेक्ट्रॉन्स, है ना। एक लोन पेयर का मतलब क्या है, 2 pi इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, एक नेगेटिव चार्ज बराबर भी कितना, 2 pi इलेक्ट्रॉन, और एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब 0 pi इलेक्ट्रॉन, 9 pi इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज मतलब कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन नहीं, ठीक। तो मुझे बताओ इस स्ट्रक्चर में कितने पाई बॉन्ड्स पाए जा रहे हैं बेटे, पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन है 2, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 4। इधर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है मुझे बताओ इस स्ट्रक्चर में, एक एक पाई बॉन्ड है तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हुए, 2, है ना। अच्छा, और इसमें, इसमें एक तो बॉन्ड है और 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यस। तो टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए, यस, इन दिस स्ट्रक्चर 4 pi इलेक्ट्रॉन, है ना, 4 pi इलेक्ट्रॉन्स। इन दिस स्ट्रक्चर 2 pi इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, एंड इन दिस स्ट्रक्चर 2 2 2 4 pi इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। तो इस पाई इलेक्ट्रॉन की जगह पे आप इसका निकालना होगा तो क्या लिख दोगे, 4, इसका निकालना होगा तो लिख दोगे 2, और इसका निकालना होगा तो लिख दोगे 4, और फिर सॉल्व कर लेंगे और एन का नंबर निकाल लेंगे ना, यस, वेरी गुड। चलें कार्यक्रम शुरू करें। तो कार्यक्रम कुछ इस प्रकार से है कि देखो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए हुए हैं, 1 2 3 4 एग्जाम्पल्स आ गए। अब क्या इस स्ट्रक्चर में कॉन्जुगेशन हो रहा है, भाई ये तो सारी के सारी कैसी स्ट्रक्चर्स हैं, नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं, तो सीधी सी बात है कि एरोमेटिक तो ये हो ही नहीं सकती। अभी लास्ट में जब मैं पूरा समझा दूंगी ना, उसके बाद में तुम लोगों को एक फंडा दे दूंगी जिसको देख करके आप क्विकली समझ जाओगे कि एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। हालांकि आपके सिलेबस में सिर्फ एरोमेटिक ही है, एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक को अलग अलग क्लासीफाई नहीं किया हुआ है, बट आगे के लिए आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। अभी सिर्फ सिखा रही हूँ, पहले सीख लो बाद में फिर पंच लाइन। तो क्या ये आपको साइक्लिक दिख रही है, नहीं दिख रही है। क्या इसमें कॉन्जुगेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। हकल रूल को फॉलो कर रही है क्या, नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये एरोमेटिक है क्या, नहीं। इसमें देख लो क्या इसमें कॉन्जुगेशन हो रहा है, पहले तो मैं कॉन्जुगेशन सिखा रही हूँ, कॉन्जुगेशन और हकल रूल फॉलो करना सिखा रही हूँ। हकली रूल हो गया है तो
हकली रूल हकली हकली नहीं रे भाई, हकल्स रूल, HUCKL। चलो ये अच्छा काम किया आज, आज तो मेरे बच्चे बड़े हो गए और मैडम छोटी हो गई हकल्स रूल है ना, तो अब हकल्स रूल नहीं सॉरी यार, तो क्या होगा, मैम भी तो किसी ना किसी से छोटी होगी, ऐसे कुछ नहीं है। पर और छोटे होने में जो फायदा है ना वो बड़े होने में नहीं है बड़े होने के बाद आप मस्ती कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, छोटे होने के बाद में फायदा। हाँ मैं वही बोल रही हूँ कि अगर आप छोटे हो ना तो आप बड़ी नकटाई से अपनी गलती को हंस के स्वीकार कर सकते हो, बट अगर आप बड़े हो गए ना तोबा तोबा तोबा, फिर तो आप गलती ही नहीं कर सकते, और गलती अगर कर दी तो नहीं आपका ईगो आएगा, नहीं है सामने वाले का ईगो आ जाता है और फिर आपको यूं करके बैठा रहना, हाँ जी सही बात, हमसे गलती हुई सॉरी, फिर 2 घंटे की स्पीच आपको अच्छे से लर्न हो जाए। उसके लिए वो इधर से घुस के इधर जाना चाहिए है ना, यहाँ तो डायरेक्ट रास्ता है मेरे पास, तो बाईपास है, इधर से गया और इधर से निकला बाईपास रखो बाईपास तो कॉन्जुगेशन, अरे बेचारा ये छोटू से दिमाग काम भी 0.1 पता नहीं कितना परसेंट काम आता है, कितना काम आता है, बायोलॉजी वाले सर ने बताया होगा ना, नहीं बताया, सर को पूछना कि भाई हमारे मस्तिष्क का कितना प्रतिशत भाग, शायद 10% पार्ट ही हम काम में ले पाते हैं, बाकी तो सब पड़ा रहता है बढ़िया। यस मैम, है ना, सबसे ज्यादा काम में दिमाग जो जिसका आया है अभी तक वो आइंस्टीन थे, है ना, एल्बर्ट आइंस्टीन। और मैम कुछ रिसर्चेस से पता चला था कि उनके दिमाग में पैराइटल लोब करके एक पार्ट था, वो था ही वो नहीं था, इतनी सारी कैलकुलेशंस टॉप से टॉप कैलकुलेशंस कर पाते थे। अच्छा फिर भी क्या है, रखा ही हुआ है उनका दिमाग भी, कोई ले तो रही नहीं, बिक तो रही नहीं, अभी हमारा देने जाओ एकदम फ्रेश माल जल्दी से बिकेगा काम ही नहीं आया जी कोई नहीं हाँ अनयूज्ड एकदम ब्रांड न्यू पेटी पैक तो बताओ क्या इसमें कॉन्जुगेशन दिख रहा है, कहाँ से दिख रहा है भाई, पाई बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट भी हो जाएगा तो भी वो की वही स्ट्रक्चर होनी है, पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है या कोई और पाई बॉन्ड होता तो कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस शो होता है ना, पर ये कॉन्जुगेशन शो नहीं कर रहा है, बट हकल्स रूल को फॉलो कर सकता है, देखो कैसे, कितने पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो 4n = πइलेक्ट्रॉन वाला रूल इसमें लगा सकते हैं, कैसे, 4n + 2 कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो भाई 4n = 2 ये वाला इधर चला जाएगा -2, तो 4n = 0 देन n विल बी 0/4 not defined yes, एक होता है 4/0 बराबर 4 और एक होता है 0/4 बताओ क्या, not defined या infinite, तो सेम है, बोल सकते हैं ना, सकते। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारे चोरों चोरों के दिमाग की कंफ्यूजन क्लियर हो गया कि भाई। अच्छा एक चीज और, क्लियर, धन्यवाद, तो भाई ऐसी ऐसी वैल्यू आई, क्या n की वैल्यू 0 आई, क्या n की वैल्यू 1 आई, 2 आई, 3 आई, 4 आई, कुछ भी नहीं आई। चलो नेक्स्ट, इस स्ट्रक्चर को देखो, क्या इसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है, अगर ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, है ना, तो द शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज टेक्स प्लेस सो द कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट, हकल रूल भी फॉलो करेगा, हकल रूल फॉलो करेगा तो दोनों के लिए हकल रूल की वैल्यू सेम ही आएगी, एन की वैल्यू 0/4 ही आएगी ना इसके लिए भी, क्योंकि देर आर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इधर आ जाओ, कॉन्जुगेशन शो कर रहा है ये इधर जाएगा तो नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा,
अब क्या ये हकल रूल फॉलो कर रहा है? देखो 4n प्लस 2 इज इक्वल टू कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 4, तो भाई 4n इज इक्वल टू 4 माइनस 2, देन 4n इज इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू 2/4, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। बोलो क्या ये हकल रूल फॉलो कर रहा है? नहीं फॉलो कर रहा है। नो मैम। ये तो कर रहा है ना, इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है इसकी। yes. इसकी वैल्यू तो इनफाइनाइट आ रही है, और इनफाइनाइट तो हमने बोला ही था जीरो से शुरू होकर के इनफाइनाइट तक वैल्यू जा सकती है ना। जीरो बाय फोर इज इक्वल, ये मान लीजिए आ गई। तो ऐसे ऐसे समझ गए, कभी कॉन्जुगेशन होगा, कभी हकल्स रूल फॉलो कर रहा है। दोनों चीजें समझ में आ गई आप लोगों को? अभी तक मैंने आप लोगों को एरोमेटिक सिटी और एंटी एरोमेटिक सिटी निकालना नहीं बताया है ना।